हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। तो आज संक्रांति से पहले दिन की ये वीडियो है। तो संक्रांति जो है हम 3 दिन मनाते हैं। तो पहले दिन जो होता है उसे हम भोगी कहते हैं, दूसरे दिन संक्रांति जो मेन त्यौहार होता है संक्रांति, और तीसरे दिन की जो है उसे हम कनुमा कहते हैं। तो ये पहले दिन का है भोगी। कल बहुत ज़्यादा काम हुआ था और हमने अप्पालू भी बनाया और घूमने भी गए थे और बातें भी इतना ज़्यादा हुआ कि हम रात को बहुत लेट सो गए। और आज जल्दी उठना था क्योंकि त्यौहार था, इसीलिए मैं बहुत थकी हुई नज़र आ रही हूँ और मेरे आंखें भी बहुत सूज गए हैं। लेकिन त्यौहार है, काम रहता है तो उठना पड़ा। तो ये दोनों जा रहे हैं चक्की, क्योंकि सकिनालू बनाने के लिए आटे के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं संक्रांति की रंगोली बना रही हूँ। संक्रांति के टाइम पे ऐसी रंगोली ही बनाया जाता है, ऐसे 4 या 5 लकीरों से। आमतौर पे हम एक लकीर से रंगोली बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस त्यौहार के टाइम पे ना ऐसी रंगोली बनाया जाता है। ऐसे रंगोली संक्रांति महीना चालू होने के बाद से भोगी तक डाला जाता है। संक्रांति के दिन भी डाला जाता है, लेकिन संक्रांति के दिन ना बहुत सारे रंगों से रंगोली डाला जाता है। जैसे नॉर्थ साइड में दिवाली के टाइम पे डालते हैं, वैसे ही यहाँ पे ना संक्रांति के टाइम पे रंगों से रंगोली डाला जाता है। तो एक एक लाइन डालते हुए रंगोली बना रही हूँ। लेकिन ऐसे भी औरतें होती है जो एक ही बार में 4 लाइन से रंगोली बनाते हैं, लेकिन मेरे से वो होता नहीं है। मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। ऐसे बनाने से ना टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब एक ही रंगोली को हम 4 बार डाला जैसा होता है। अगर एक ही बार हम 4 लकीरों से बनाते हैं तो जल्दी होता है। माँ बना लेती है कुछ हद तक, लेकिन माँ को ना अंदर बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए मुझे बनाना पड़ा। तो मैं यहाँ पे ये रंगोली का काम कर रही थी और अंदर माँ और दोनों बहनें जो काम होते हैं बाकी के वो कर रहे थे। बर्तन था, कपड़े थे, वो सब काम ना बहनें मिलकर कर रही थी और माँ जो है पूजा का काम कर रही थी। तो सभी मिलकर काम कर रहे थे। तो बेर भी आ गए आज, तो बेर का ना आज बहुत ज़्यादा काम होता है, इसीलिए बेर भी ले लिए हम। ऐसे रंगोली बनाया मैंने, कैसा लगा आपको कमेंट के ज़रिए प्लीज़ बताइएगा। पूरे आंगन में रंगोली बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा धूप भी आ गया था। तब तक बच्चे एक के बाद एक नहा के वो तैयार भी हो रहे थे। तो रंगोली तो ऐसी बनी है, कैसा लगा आपको। तो आज भोगी के दिन नहाने के पानी में कुछ बेर और कुछ तिल डाला जाता है, ऐसा करना शुभ माना जाता है। तो हम सभी नहा के आ गए हैं और यहाँ पे मैं गाय के गोबर से गुब्बे मलू बना रही हूँ। तो संक्रांति के टाइम पे ही ऐसे गुब्बे मलू बनाया जाता है और रंगोली के बीच में रखा जाता है, इसीलिए गाय के गोबर से मैं यहाँ गुब्बे मलू बना रही हूँ। हाँ, तो गाय का गोबर आसानी से मिल गया, लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ गाय का गोबर आसानी से मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब खोजना पड़ता है। अगर दूसरे लोग लाते हैं तो उनसे पूछ के हम बनाते हैं। तो इस टाइम पे ऐसा गुब्बे मलू बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं गुब्बे मलू बनाने के बाद उनको मैं हल्दी और कुमकुम लगाती हूँ। आपके यहाँ ऐसा किया जाता है या नहीं मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। मतलब हमारा मतलब भाषा अलग हो, लेकिन कल्चर जो है वो थोड़ी बहुत मिलती ही रहती है। तो आपके यहाँ ऐसा कब बनता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। तरह से मैंने गुब्बे मलू को हल्दी और कुमकुम लगाया है और यहाँ पे कीर्तना जो है वो मेरे साथ थोड़ी बहुत काम कर रही है। और इसके ऊपर ना 5 या 9 प्रकार का धान भी डाला जाता है और कुछ फूल। तो कीर्तना वो सब लेके मेरे साथ आ गई है। तो पहले मैं यह दहलीज पे लगा लेती हूँ।
इस तरह से दहलीज के दोनों ओर गोबेमलु लगाने के बाद कीर्तना धान और फूल चढ़ा देती है। फिर बाद में हम रंगोली के ऊपर भी गोबेमलु लगा देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मनाया जाता है, लेकिन पूरे तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में हो, कुछ अपने प्रदेश के हिसाब से कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन मैं जो है हम जैसे मनाते हैं वैसा ही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। गोबेमलु का पूजा जो होता है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है, लेकिन हम हमारे घर में जैसे करते हैं मैंने वैसे आप सभी को बताया है। फिर हमने आपालू बनाना शुरू किया है। आज बन रहा है सकिनालू। सकिनालू बनाने के लिए पहले चावल को रात के 10 या 11 बजे भिगोकर रखते हैं। फिर सुबह उठते ही चावल को पानी से अलग करके रखा जाता है। फिर उसे चक्की को पीसने के लिए भेजा जाता है। फिर तुरंत ही सकिनालू जो है बनाना चाहिए, लेकिन लेट होता है तो जो आटा होता है वो मतलब ख़राब होने लगता है। इसीलिए सकिनालू जो है मतलब हमें जब बनाना होता है तभी बनाना चाहिए, अगर लेट होता है तो आटा जो है वो ख़राब होने लगता है। इस आटे में सिर्फ 3 चीज़ डाला जाता है, नमक, तिल और अजवाइन। तिल और अजवाइन अपने खाने के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आटा भिगोने के बाद माँ जो है यहाँ पे चूल्हा लगा रही है। कल चूल्हा लगाया था, लेकिन यहाँ पे ना हमारा बर्तन और कपड़े पूरा काम यहाँ पे ही होता है। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब गीला रहता है, इसीलिए चूल्हा कल निकाला। फिर आज फिर से माँ जो है चूल्हा लगाया है। लगाने से पहले हल्दी और कुमकुम डालती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम बनाते हैं इतने बड़े पैमाने में तो क्या होता है कि हम पहले मतलब अग्नि देवता की पूजा वैसा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी मतलब कुछ हो ना सके अच्छे से पूरा हम कर सके, इसीलिए ऐसा। इस त्यौहार पे सकिनालू जो है बनता ही है हर एक घर में तेलंगाना में, तो इसीलिए संक्रांति सकिनालू दोनों एक ही नाम से हम जानते हैं। तो सकिनालू बनाने से पहले हम गौरम्मा बनाते हैं, तो माँ जो आटा होता है उसी से गौरम्मा बनाती है। गौरम्मा बनाने के बाद उसे हल्दी और कुमकुम लगाती है। सकिनालू बनाने के लिए जो कपड़ा होता है वो अच्छा होना चाहिए, ना जल्दी सूख सके और ना ज़्यादा टाइम तक भीग कर ना रहे, तो सकिनालू अच्छा नहीं बनता है। इसके लिए ना मतलब सेपरेट सकिनालू के लिए चादर भी लेके रखते हैं। तो माँ जो है ये चादर जो है सिर्फ सकिनालू के लिए ही लेकर बाजू में रखा है, तो इसी टाइम पे इसे यूज़ करती है। तो इस तरह से बीच में रखा जाता है गौरम्मा को। सकिनालू बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, और दूसरे जब हम आपालू बनाते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं और हाथ भी दुखने लगते हैं। जैसे गारेलू हम कल बनाया था, तो गारेलू बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा हाथ दर्द देने लगता है, लेकिन जब हम सकिनालू बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम तीनों बहनें जो है वो सिर्फ सकिनालू बनाने में बैठते हैं और दूसरा काम करने के लिए मतलब एक दूसरे पे टाल देते हैं कि तुम करो दूसरा काम, मैं सिर्फ सकिनालू ही बनाऊंगी। तो माँ जो है सकिनालू बना रही है। हाथ में जितना आटा आता है उतना आटा हम लेते हैं, फिर बाद में उंगलियों से ऐसे चलाते हुए सकिनालू बनाते हैं। तो सकिनालू बनाना सभी को आता नहीं है, इसे बनाने के लिए प्रैक्टिस भी होना ज़रूरी है। जब स्टार्टिंग में करते हैं तो इतना पतला नहीं आता है, बहुत मोटा मोटा आता है। आजकल नए नए तरीके ढूंढे हैं सकिनालू बनाने के लिए। कोई कोई पॉलीथीन कवर में डाल के बना लेते हैं, कोई दूध के पैकेट से बना लेते हैं, लेकिन हमें तो हाथ से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि हम हाथ से बना भी लेते हैं। हम चारों बनाते हैं हाथ से, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम दूसरे चीज़ से सकिनालू बना सके। माँ कुछ ही सकिनालू बनाने के बाद चूल्हे के पास चली गई, फिर हम बहनें बनाने लगे। फिर बनाने के बाद इन्हें कुछ देर तक सूखना भी चाहिए, मतलब ऐसे ही
गीले डालने से वो अच्छे बनते नहीं हैं, इसे सूखने के लिए भी टाइम चाहिए। फिर हम इस चादर में बनाने के बाद फिर और एक चादर में भी हम बनाने लगे। सकिन आलू के साथ साथ इस त्यौहार में कुछ मीठा भी बनता है, तो हम मीठा नहीं बनाया है इस टाइम पे। मीठा में अरिसेलू बनते हैं, तो अरिसेलू नहीं बनाया है। तो इस तरह से हमने पहले इस चादर में पूरा सकिन आलू बना लिए, फिर बाद में हम दूसरे चादर में बनाने लगे। फिर एक चादर पूरा होने के बाद इसे हम कुछ टाइम तक ऐसे ही रखने के बाद फिर इसे एक एक निकाल के ऑयल में तला जाता है। सकिन आलू बनाने का काम जो है वो सभी कर लेते हैं, लेकिन जब उसे निकालने का बारी आती है तो तभी हम करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन बीच बीच में सभी लोग निकाल के दे रहे थे, तो यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया निकालने के लिए। फिर इसे ऐसा डाला जाता है, इसे तेल में डाल के तलना भी एक प्रकार का काम होता है, क्योंकि हम जैसे अच्छे से नहीं बना सकते हैं, इसके लिए भी मतलब एक्सपीरियंस ही चाहिए। तो देखो पहले माँ ने कुछ देर बाद उसे ऐसे ही रखा है, फिर बाद में एक एक को निकाल के अच्छे से फ्राई करती है, फिर बाद में उसे पलटा देती है। तो इस प्रकार से करना चाहिए, तभी सकिन आलू जो है अच्छे से मतलब क्रिस्पी से बनते हैं। इस तरह से सकिन आलू बनाना बहुत ही बड़ा काम ही होता है, लेकिन सकिन आलू खाना अच्छा लगता है सभी को। त्यौहार जब नज़दीक आता है तो सभी घरों में अप्पालू बनाना शुरू होता है। बचपन में तो हम अपने माँ के साथ अप्पालू बनाने के लिए अपने पड़ोसन के यहाँ जाते थे, वो भी आके हमारे घर में बनाते हैं। पहले ही बात कर लेते थे कि एक दिन आप बनाओ और दूसरे दिन हम बनाएंगे। वैसे हम जाते थे माँ के साथ और हम भी बनाने लगते थे। वैसे वैसे हमने बचपन से ही अप्पालू मतलब सकिन आलू बनाना सीखा है। ये अगले दिन की वीडियो है, मतलब संक्रांति का दिन, त्यौहार का दिन। यहाँ पे मेरी छोटी बहन और कीर्तना कैशोरी मिलकर रंगोली बना रहे हैं। मतलब सभी लड़कियाँ जो होती है तो इस त्यौहार पे ना रंगोली बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि छोटी हमारी कैशोरी कैसी रंगोली बना रही है। हमारे साथ वो भी रंगोली बनाने लगी, हमें देखकर कैशोरी भी बनाने लगी, तो हमने भी मना नहीं किया है। तो अभी हम गोबे मलू लगा रहे हैं, भोगी के दिन भी लगाते हैं और संक्रांति के दिन भी। संक्रांति के दिन हमने ऐसी रंगोली बनाया है, हम तीनों बहनें मिलकर बनाया है यह रंगोली। रंगोली कैसी है, आपको कैसा लगा है कमेंट के ज़रिए बताइएगा, रंगोली अच्छी बनी है कि नहीं। त्यौहार के दिन बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। हम मतलब काम जल्दी जल्दी पूरा करके फिर दोपहर के टाइम पे बच्चों को ना साड़ी पहनाया है, वो भी पहली बार। ये कीर्तना जो है वो डांस कर रही है, इसे डांस करना अच्छा लगता है। ये एक तेलुगु गाने पे डांस कर रही है। ऐसे त्यौहार मनाना वो भी मायके में अपने बहनों के साथ अच्छा लगा है, क्योंकि एक साथ हम होते नहीं हैं, वो भी त्यौहार के टाइम पे। मतलब जिसको जब टाइम मिलता है तभी आके चले जाते हैं, कभी मैं आती हूँ फिर कभी बड़ी बहन आती है। छोटी बहन तो अभी पढ़ाई कर रही है, तो उसके हॉलीडेज़ में वो आती है, तो हम एक साथ होते नहीं हैं। थोड़ा बहुत हम बहनें भी तैयार होके इस पल को हम कैमरा में बंद कर दिया है। तो कैसा लगा ये मेरा आज का व्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।